हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ओवरव्यू। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टेस्टिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस डायग्राम, टेस्टिंग लेवल्स और कंक्लूजन। सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन। आइए, software testing is a process of validation and verification of software. एक software को validate करना और verify करना, इस process को कहते हैं software testing. हमने software को क्या बन के आया है और क्या बनाना चाह रहे थे, expected और actual result के बीच में जो process रहेगी जिससे हम दोनों को मैच करेंगे, दैट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टू एंश्योर प्रोडक्ट इज बग फ्री, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या चेक करता है कि हमारा प्रोडक्ट बग फ्री है या नहीं है। मीट बिजनेस रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट एंड प्रॉपरली हैंडल यूजेबिलिटी। बिजनेस रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली हैंडल कर पा रहा है, जो भी क्लाइंट टेक्निकली उसमें रिक्वायरमेंट चाह रहा था उसे हैंडल कर पा रहा है या नहीं, और उसकी यूजेबिलिटी कितने अच्छे से हमने हैंडल करी है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एक अमेज़न का वेब पेज है, उसमें बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या थी क्लाइंट की कि उसे एक लॉगिन पेज चाहिए, कार्ट पेज चाहिए, कार्ट पेज में वो जो आइटम्स है उसे ऐड कर पाए, प्लेस ऑर्डर कर पाए और लॉग आउट कर पाए। यहाँ पे उसकी ये रिक्वायरमेंट थी। अब सपोज हमने ये रिक्वायरमेंट मैच कर दी, कार्ड में ऐड भी कर पा रहा है, प्लेस ऑर्डर भी कर पा रहा है, पर जो प्लेस ऑर्डर वाला या जो लॉग आउट वाला बटन है वो हमने जहाँ टॉप पे होना चाहिए वहाँ पे ना देते हुए हमने बॉटम ऑफ द पेज, कॉर्नर बॉटम ऑफ द पेज में हमने असाइन कर दिया। तो क्या यूज़र उसे बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएगा? अगली बार से हम वेब पेज पे, अमेज़ॉन के वेब पेज पे मूव भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमें बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है प्लेस ऑर्डर के बटन को क्लिक करने के लिए। यूज़र हमेशा क्या चाहता है कि उसे स्क्रॉल कम करना पड़े, ज़्यादा दिक्कत नहीं होए उसे वेब पेज या उस वेबसाइट को चलाने में। तो हमें इन तीनों चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम एक प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये सब हम टेस्टिंग के थ्रू चेक करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ वे टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ सॉफ्टवेयर। ये डेफिनेशन ISTQP के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे हम क्वालिटी चेक करते हैं और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी रिस्क आने की उतनी उसकी जो रेशियो रहेगा वो कम रहेगा और सॉफ्टवेयर अच्छे से हमारा चलेगा। एक और डेफिनेशन है ISTQB के अकॉर्डिंग, द प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ All life cycle activities, both static and dynamic, concerned with planning, जो हमारी life cycle activities रहती हैं, जो हमारी process रहती है software testing की, वो both static और dynamic रहती है। यहाँ पे हम multiple stages को देखते हैं, जैसे planning, preparation, evaluation of software product, related work product to determine that the product is satisfy specific requirement, to demonstrate that they are fit to purpose and to detect defect. यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, और हम उसमें डिटेक्ट को, डिफेक्ट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग फंडामेंटल। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग is an activity to perform uncover errors. यहाँ पे हम error find out करते हैं। It is critical element of software quality assurance and represent the ultimate review of specification, design and coding. यहाँ पे हम जो software testing रहता है ये एक बहुत critical element रहता है। एक अच्छा software बनाने के पीछे हमें बहुत ज़्यादा software testing करनी पड़ती है। The purpose of software testing is to ensure whether the software function appear to be working according to specification and performance requirement. जो भी client ने specification दी है, जो भी वो performance चाह रहा है उसके product से, उसके software से, क्या हम उसे match कर पाए हैं या नहीं कर पाए, ये कैसे check करेंगे हम software testing के through. Testing objective.
Testing is a process of executing a program with the intent of finding an error. As a tester, हम ये सपोज करते हैं कि जितने ज़्यादा errors आएंगे उतना अच्छा हमारा करियर चलता रहेगा, क्योंकि the testing is a process of executing a program with the intent of finding an errors. ठीक है, a good test case is one that has high probability of finding an undiscovered error. जितनी छुपी हुई errors हैं, अगर हमने एक अच्छा test case लिखा है तो वो उन सब error को find out करेगा, और हमें जितनी ज़्यादा errors आएंगी एज ए टेस्टर, जितनी ज़्यादा हम एरर्स अभी फाइंड आउट कर पाएंगे, आगे जब हम उसे लॉन्च करेंगे हमारे प्रोजेक्ट को, तो यूज़र के पास उतनी कम एरर आएगी. इसलिए टेस्टर हमेशा सोचता है कि उसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एरर मिले. सपोज मैंने ए प्लस बी इक्वल टू सी एक टेस्ट केस लिखा, तो एज ए टेस्टर हम क्या चाहेंगे कि हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, डी आ जाए, एफ आ जाए, बट सी नहीं है. ठीक है, तो हम जितने ज़्यादा एरर्स अभी फाइंड आउट करेंगे, आगे जब लॉन्च होने के बाद हमारा प्रोजेक्ट उतने कम एरर देगा. स्टिल इतने सारी चीज़ों के बाद भी एक प्रोजेक्ट कभी भी या एक प्रोडक्ट कभी भी 100% एरर फ्री, बग फ्री नहीं होता है. आइए देखते हैं टेस्टिंग प्रिंसिपल. कुछ गाइडलाइंस रहती हैं, कुछ रूल्स रहते हैं टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए. वो बेसिक रूल्स अभी हम देखते हैं. टेस्टिंग प्रूफ द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट. डिफेक्ट जब भी हम टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये क्या प्रूफ रहेगा कि हमारे पास डिफेक्ट आएंगे. जब भी हमने टेस्टिंग अप्लाई करी, जैसे अभी मैं कह रही थी 100% बग फ्री नहीं रहता है, हम 1000 टाइम पे भी अगर हम टेस्टिंग अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें बग या एरर मिल जाएगी हमारे सॉफ्टवेयर पे. इट इज़ कंसिडर्ड बेटर व्हेन अ टेस्ट रिवील्स डिफेक्ट देन व्हेन इट इज़ एरर फ्री. ठीक है, हमेशा हमें एक टेस्ट केस को कब अच्छा मानते हैं, जब वो हमें एक बग फाइंड आउट करके दे. इतनी मेहनत से हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं, और वो एक भी बग अगर हमें नहीं निकाल के देता है तो या तो वो 100% बग फ्री सॉफ्टवेयर है, बट ऐसा सॉफ्टवेयर होता नहीं है. तो हम क्या चाहते हैं, जब भी हम टेस्ट केस लिखें तो वो एक हमें एरर जनरेट करके दे. अर्ली टेस्टिंग हेल्प आइडेंटिफाई इशू प्रायर टू द डेवलपमेंट स्टेज एंड विच इजीज एरर करेक्शन एंड हेल्प रिड्यूस कॉस्ट. सपोज तीन स्टेजेस हैं ए बी सी. जितनी जल्दी हम ए स्टेज पे अगर हमने टेस्टिंग अप्लाई कर दी तो बी स्टेज पे कम एरर आगे पास ऑन होगी और सी पे और कम एरर पास ऑन होगी. सपोज अगर हम एट लास्ट सी में ही टेस्टिंग अप्लाई करते हैं तो सी की एरर को फाइंड आउट करेंगे, देन हम बी पे आएंगे, देन ए पे आएंगे, करेक्ट करेंगे, फिर हम बी पे जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे. तो इससे क्या होगी, हमारी करेक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई, जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो उसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा, और अर्ली टेस्टिंग इसलिए हेल्पफुल रहती है. नॉर्मली अ डिफेक्ट इज क्लस्टर अराउंड अ सेट ऑफ मॉड्यूल्स और फंक्शनैलिटी. वंस दे आर आइडेंटिफाइड, टेस्टिंग कैन बी फोकस्ड ऑन डिफेक्टिव एरिया एंड येट कंटिन्यू टू फाइंड डिफेक्ट इन अदर मॉड्यूल्स साइमल्टेनियसली. पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर या पूरे के पूरे प्रोडक्ट पे हम एक साथ टेस्टिंग अप्लाई नहीं करते, हम उन्हें मॉड्यूल्स में डिवाइड या फंक्शनैलिटी में डिवाइड कर लेते हैं. उन फंक्शनैलिटी पे हम टेस्टिंग अप्लाई करते हैं, जो भी उनमें से एरर या डिफेक्टिव एरिया निकलता है उसमें हम उसे हम एलिमिनेट करते हैं और आगे मूव ऑन हो जाते हैं. टेस्टिंग विल नॉट बी इफेक्टिव एंड इफिशियंट इफ द सेम काइंड ऑफ टेस्ट आर परफॉर्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. हमें टेस्ट केसेस को, अगर हम चाहते हैं कि हमारी टेस्टिंग अच्छी, इफेक्टिव और इफिशियंट हो, तो हमें टेस्ट केसेस को चेंजेस करते रहना पड़ेगा और हमें टेस्टिंग के तरीके को भी चेंज करना पड़ेगा. जस्ट आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग इशू डज नॉट रियली हेल्प इन सेटिंग यूजर एक्सपेक्टेशन. टेस्ट को आइडेंटिफाई किया और फिक्स कर दिया, आगे उसे हमने और चेक नहीं किया. सपोज ए बी सी स्टेजेस थी, ए में हमने बग आया उसे फिक्स कर दिया, हमने बी और सी में भी चेक करना पड़ेगा क्या वो बग वहाँ पे तो इफेक्ट नहीं कर रहा है. हमने इस हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है टेस्ट एरर को, बग को, और उसे फिक्स करना पड़ता है. इतने सब के बाद भी मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं बन के आएगा जो 100% बग फ्री हो. नेक्स्ट आता है टेस्टिंग प्रोसेस. तो पाँच स्टेजेस में रहती है हमारी ये प्रोसेस.
पहली आती है प्लानिंग एंड कंट्रोल। हम प्लान करेंगे टेस्ट केस क्या बनेगा, कैसे बनेगा, एनालाइज करेंगे, उसका डेटा रेडी करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि कब हमें उस टेस्ट केस को बंद करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, और रिपोर्ट तैयार करेंगे और टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, जो भी टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज़ रहेंगी। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हमें और अच्छा समझ में आएगा। हमने डिज़ाइन किया टेस्ट केसेस को, उसके लिए जो भी डेटा लग रहा था उसे प्रिपेयर किया और टेस्ट केस जनरेट किया, उसे रन किया विद द टेस्ट डेटा। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट आ जाएंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और एक टेस्ट रिपोर्ट रेडी करेंगे। अब जो ये टेस्ट प्रोसेस हमने देखी है अभी, उन्हें हम लेवल्स में अप्लाई करते हैं। कहाँ पे अप्लाई करेंगे? एक साथ पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में तो हम अप्लाई करेंगे नहीं, हमें उस सॉफ्टवेयर को उस प्रोडक्ट को मॉड्यूल्स में या फंक्शनैलिटी में डिवाइड करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं टेस्टिंग लेवल्स। टेस्टिंग कैन बी टिपिकली कैरिड आउट इन लेवल्स। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एट ईच फेज सम फॉल्ट मे गेट इंट्रोड्यूस, दिस फॉल्ट आर एलिमिनेटेड इन द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज। हर फेज में कुछ ना कुछ फॉल्ट आता है, एरर आता है, बग आता है, अगले फेज को मूव होने के पहले हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, सही कर देते हैं, और इस तरीके से हमारी फेजेस टू फेजेस हम मूव करते जाते हैं। अब हम देखते हैं लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। पहला लेवल है यूनिट टेस्टिंग, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, थर्ड इज सिस्टम टेस्टिंग, फोर्थ इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में एक प्रोडक्ट को डिवाइड किया, उन कॉम्पोनेंट्स या मॉड्यूल्स पे हम अप्लाई करते हैं। हम अमेजोन का बात करें, लॉग इन पेज पे, कार्ट पेज, होम पेज, लॉगआउट पेज, और इस तरीके से हमने अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग पेजेस डिवाइड कर। अब लॉग इन पेज पे भी हमने लॉग इन बटन है, यूज़र नेम जहाँ वो पासवर्ड जो एरिया है वहाँ पे, फॉरवर्ड लिंक जो हम करेंगे, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, अलग अलग मॉड्यूल्स बना यूनिट टेस्ट पर हम करते हैं और चेक करते हैं। देन अब हम इन्हें कंबाइन कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड कंपोनेंट बनाते हैं और उस लॉगिन पेज को हम चेक करते हैं। जस्ट लाइक कार्ट पेज है, लॉगआउट पेज, होम बटन, इन्हें हम चेक करते जाते हैं इंटीग्रेटेड। नाउ उन इंटीग्रेटेड फॉर्म को या उन इंटीग्रेटेड पेजेस को अब हमने एक सिस्टम बना लिया। अब हम लॉग इन कर रहे हैं, कार्ट में ऐड कर रहे हैं, प्लेस ऑर्डर कर रहे हैं और लॉग आउट, हम हमारे वर्क कर रहे हैं इंटायर सिस्टम, ये हम बोलेंगे सिस्टम। लास्ट आता है यूज़र कैसे ऐप पेज ओपन, देन उसके बाद लॉग इन करेगा, एक फाइनल सिस्टम में किस तरीके से यूज़र यूज़र के एंड ऑफ देखते हैं। इस लेवल ऑफ टेस्टिंग में हम जो टेस्टिंग की प्रोसेसेस हैं, टेस्ट केस लिखेंगे, टेस्ट को डेटा कलेक्ट करेंगे, उन्हें अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो एक्चुअल और आउटकम था या रिजल्ट था वो मैच हुआ कि नहीं हुआ, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। हर टेस्ट के अलग अलग लेवल्स में सेम प्रोसेस, और इस तरीके से सॉफ्टवेयर एक पूरा प्रोडक्ट टेस्ट हो जाता है। अगला, यू लाइक द वीडियो, प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट माय चैनल लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच।